नमस्कार फ्रेंड्स, अपन आज एक नई एक्सरसाइज लेते हैं, ऊंचाई और दूरी पर आधारित सरल समस्याएं। इस प्रश्नावली को कराने से पहले मैं आपको इस प्रश्नावली के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे मान लो अपने को ऊंचाई और दूरी पर आधारित सरल समस्या को हल करना है, तो अपने पास कुछ हाइट रहेगी और कुछ दूरी रहेगी, उनको अपन सिंप्लीफाई करके अपने को ऊंचाई भी निकालनी है और उनकी दूरी भी निकालनी है। जैसे अपन इसमें अपने को दो एंगलों का प्रयोग करना पड़ेगा, एक तो उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये दे रखा है, ये मीनार दे रखी है ना, ये मीनार अपने पास, इस मीनार ए बी मीनार है, इस मीनार ए बी से कुछ व्यक्ति सी पॉइंट पर खड़ा है या सी पॉइंट पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इसकी हाइट को देख रहा है, मतलब मीनार की चोटी को देख रहा है ना, मीनार की यहां से इस चोटी को देखने पर जो कोण बनेगा इस सैतीस के साथ, इसको सैतीस बोलेंगे अपन, है ना। सैतीस का मतलब होता है धरातल। सैतीस का मतलब क्या होता है, धरातल। धरातल के साथ जो कोण देखे, धरातल के साथ जो कोण बनेगा उसको अपन उन्नयन कोण बोलेंगे। जैसे मान लो ये व्यक्ति इस सैतीस के साथ, जैसे मान लो यहां से नीचे की तरफ देखेगा ये थीटा, तो बनेगा अवनमन कोण, है ना। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या रहेगी, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ किसी चोटी को देखने पर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अपन उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे की तरफ किसी व्यक्ति, किसी कार आदि को कोई पर्सन देखेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण, दृष्टि रेखा के साथ। ध्यान रखना इसमें व्यक्ति की आंख से कोण को मेजर किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोल रहा हूं, इसमें व्यक्ति की आंख से कोण को मेजर करेंगे अपन, व्यक्ति की हाइट को नहीं लेंगे, व्यक्ति की हाइट को हमेशा नेगलेक्ट करेंगे, है ना। व्यक्ति की हाइट को हमेशा क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे जब तक कि पर्सन में मेंशन नहीं करेगा तब तक। तो अपन पहला पर्सन करने का प्रयास करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये उन्नयन और अवनमन कोण की डेफिनेशन हो चुकी है और इस प्रश्नावली के बारे में इतना ही इंट्रोडक्शन है। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। जैसे मान लो ये ऊर्ध्वाधर है, ये खंभा है। देखो ऊर्ध्वाधर तो ये होता है ऐसे, जैसे रॉकेट उड़ती है ना, जैसे रॉकेट उड़ती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऐसे। और जो प्लेन चलता है अपने सैतीस के साथ चलता है, धरातल के सापेक्ष चलता है, रॉकेट ऐसे उड़ती है सीधी इस टाइप में। और जो प्लेन होता है प्लेन, मतलब एरोप्लेन, वो ऐसे सैतीस अपने धरातल के साथ उड़ता है। तो ये कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। ये अपने पास एक खंभा है, ये पोल है ना, ये पोल बना हुआ है। इस पोल की जो परछाई है ना, खंभे की ऊंचाई के बराबर है, मतलब जितनी ये है, जैसे मान लो ये है अपने पास, ये इसकी परछाई नीचे आएगी। आप इससे समझने की कोशिश करो, जैसे मेरे पास ये पोल, ये खंभा दे रखा है, तो खंभे की परछाई इधर ही तो आएगी अपने पास, इस साइड में ये पोल बना हुआ है। और जितने ये पोल की लंबाई उतनी ये परछाई है। जैसे मान लो ये एक्स मीटर है, एक्स मीटर का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, और ये भी एक्स मीटर रहेगी, है ना। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, अगर आप इस चित्र को इसमें रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे तो रिप्रेजेंट करोगे, ये तो मेरे पास क्या हो गई, इस खंभे की परछाई हो गई, ये वाली खंभे की परछाई हो गई, भाई पोल है, पोल की परछाई ऐसे तो गिरेगी। और ये मेरे पास पोल हो गया, ये पोल है, ये पोल खड़ा है ना, तो ये लो। और ये मेरे पास इसका जो है ना थीटा निकालना, इन दोनों में संबंध, जैसे मान लो मेरे पास ये थीटा है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, लंब हो गया, है ना। तो इन दोनों का जो संबंध आता है, जैसे मान लो एल ए एल के ए, तो लंब बटा आधार किस में आता, टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन एक्स, टेन थीटा बराबर एक, है ना। आप अच्छे से जानते हो टेन थीटा, मतलब टेन थीटा बराबर एक किस में होता है, टेन पैंतालीस में होता है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। इस पर्सन को मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 10 मीटर है, जैसे मान लो पोल की हाइट 10 मीटर है, तो परछाई की हाइट भी 10 मीटर ही होगी। ये नहीं अपन 10 की जगह 20 भी ले सकते हो, तो ये दोनों कट जाएंगे, एक आ जाएगा,
ना, यहाँ पे चाहो तो 20 मीटर भी ले सकते हो, ये 20 मीटर है तो ये भी क्या रहेगी, 20 मीटर रहेगी, है ना। ये 30 है तो इसकी हाइट 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर रहेगी, तो इसमें थीटा का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, है ना। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे भी ये 20 और ये 20 दे रखा है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का काम कर रहा है, ये 20 है और ये 20 है, ये 90 डिग्री है ना, ये 20 और ये 20, ये समद्विबाहु त्रिभुज ही तो बन गया, 20 मीटर और 20 मीटर, तो ये कोण 45 डिग्री और ये कोण 45 डिग्री तो होगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। अपने को पता है इस 20 डिग्री के सामने सामने का कोण और इस 20 डिग्री के सामने का कोण बराबर होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो चुका है यहाँ पे, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। इन तीनों जो इन तीनों एंगलों का इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। इस प्रकार ये समद्विबाहु त्रिभुज की तरह काम करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें और बता देता हूं, है ना, ताकि अपन पर्सन को दो तरीके से करें। जैसे मान लो मेरे पास ये एक राइट एंगल है, जैसे मान लो मेरे पास ये राइट एंगल दे रखा है ए बी सी, ये 90 है और मान लो ये कोण मेरे पास 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री होगा, है ना, है ना। ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। मैं आपको इस प्रश्न को रेशियो के माध्यम से कराने की कोशिश भी करूंगा। रेशियो के माध्यम से कराने का मतलब यह है अपन इन प्रश्नों को एक एक लाइन में भी हल कर देंगे, तो उसको करने से पहले आपको ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया, यहाँ पे थीटा मैंने 30 डिग्री ले लिया, तो मेरे पास ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये करण हो गया, है ना। अपन जानते कि टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, और टेन 30 डिग्री दे रखा मेरे को, टेन 30 डिग्री, टेन टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका मतलब टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ पे लंब क्या मेरे पास, ये रहा ए बी है, तो इसकी जो वैल्यू है वो एक यूनिट है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो एक यूनिट है, मतलब एक इकाई अनुपात में, क्योंकि ये रेशियो ही तो है, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो है √3 यूनिट, है ना भाई। यहां से लेके यहां तक की दूरी है 1 मीटर है, एक यूनिट मान लो, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होती है, √3 मिनट, √3 यूनिट होती है। अगर ये 30 है तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री। मतलब आपको ये ध्यान रखना, 30 के सामने √3 होता है, और 30 के 60 के सामने √3 होता है, और 30 के सामने एक यूनिट होती है ना, और 90 के सामने हमेशा दो होता है, 90 के सामने हमेशा क्या होता है, दो होता है। तो आप ये थोड़ा कंसेप्ट सीखना, मैं बोल रहा हूँ 60 के सामने √3 और 30 डिग्री के सामने एक यूनिट, है ना, आप याद कर लेना, 60 के सामने √3 होता है, मैंने आपके निकाल के भी बताया है, 60 के सामने √3 और 30 डिग्री के सामने एक यूनिट होती है। आइए स्टूडेंट इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना, 60 के सामने √3, 30 के सामने एक यूनिट होती है। आइए स्टूडेंट इस प्रश्न को करते हैं। देखिए, यदि एक मीनार के 5 बिंदु से, मेरे पास ये मीनार हो गई, ये मीनार है अपने पास, है ना, ए बी क्या है, मीनार है। एक मीनार के 5 बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, इसका 5.13, इसके ये 100 मीटर की दूरी हो गई, ये क्या हो गई, 100 मीटर की दूरी हो गई। इस मीनार के 5 बिंदु 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहां से शिखर का उन्नयन कोण कितना मेरे पास, 60 डिग्री है। तो अपने को मीनार की ऊंचाई निकालनी, मेरे को मीनार की हाइट निकालनी, ये वाली है। तो इस प्रश्न करने का तरीका देखो, ए बी सी, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है जो कि 10 मीटर है, जो कि 10 मीटर है ना, और
माना मीनार की ऊंचाई है जो कि 10 मीटर नहीं है, अपने को निकालनी है ना। माना ए बी मीनार की ऊंचाई है और बी बिंदु से मीनार से कुछ दूरी पर, मतलब 100 मीटर दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है ना। चाहो तो लिखो तो लिखो, नहीं कोई बात नहीं है। आप प्रश्न, आपने जहां पे चित्र बना दिया ना, वही सब कुछ है ना। आप लिखो तो लिखो, कोई बात नहीं है ना। रहना तो इसको, लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप तो प्रश्न का कंसेप्ट सीखिए सीधा ही, है ना। आप लिख दोगे जैसे आपको आता है, अपने को पता है। यहां से देखो, अपने को क्या निकालना, हाइट निकालनी है, और ये अपने पास ये क्या 90 डिग्री है, तो अपने को इन दोनों में संबंध लेना है। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, अपने को इसको और इसका रेशियो लेना है। तो क्या आएगा, टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी। टेन कितना लेना है अपने को, 60 डिग्री। ए बी मेरे पास क्या है, एच, और बी सी क्या है मेरे पास, 100। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, एच अपॉन 100। और एच बराबर, देखो इसको तो इससे और इसको इससे वर्ष गुणा करना है, इसको तो इससे बिटाना है और इसको इससे, एच बराबर 100 √3 मीटर। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा, है ना। टेन थीटा बराबर बी सी, यहां पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू चित्र अनुसार, यहां लिख सकते हो चित्र अनुसार। आपको वो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी नहीं पाओगे एग्जाम में, है ना। चित्र अनुसार टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी, एच अपॉन 100। अब स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में कैसे हल करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था भाई, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है। 60 के सामने क्या होता है, √3, है ना। अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये कोण 30 डिग्री आएगा, क्योंकि 90 और 60 कितना हो गया, 150, और ये 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये 60 है, ये 90 है, तो बाकी ये 30 डिग्री तो बजेगा। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने एक एक होता है, 30 के सामने कितना होता है, 1 यूनिट होता है, और ये कितना होता है, √3 होता है। अपने को पता है ये कितना है, ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, ये 1 रुपया है, 1 रुपये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर है भाई। ये एक ही तो है, अभी आपको मैंने निकाल के बताया, 1 की वैल्यू 100 के बराबर है, अपने निकालना है इसकी। तो √3 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 की वैल्यू 100 के बराबर है, तो 1 × √3 बराबर 100 × √3, ये √3 आ गया। √3 क्या आएगा, 100 √3। ये √3 क्या है, हाइट ही तो है, और एच बराबर 100 √3 मीटर। ये अपना क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। देखो आप ये तरीका धीरे धीरे सीखोगे, जब तक मैं आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे नहीं करवा दूंगा ना, तो आप ये तरीका सीख नहीं पाओगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए एक बार। आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जब तक आप 6-7 प्रश्न ऐसे नहीं कर लोगे, तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा ये, है ना। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 करने का प्रयास करते हैं। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 करने का प्रयास करते हैं। अपने क्वेश्चन में दे रखा है, आप इस प्रश्न वाले में क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। जब तक आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप इस एक्सरसाइज में इसका चित्र नहीं बना पाओगे। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, देखो दीवार ऐसे रहती है, दीवार ऐसे तो रहती है, ऐसे खड़ी रहती है। देखो बोर्ड पे जो फिगर बनता है वो ऐसे है, ऐसे मान लो ये दीवार है, ऐसे मान लो ये दीवार बनी हुई है, तो सीढ़ी ऐसे ही तो आएगी। यहाँ ये जमीन है धरातल मान लो आप, तो सीढ़ी ऐसे ही तो पहुंचेगी। तो बोर्ड के तल पे ऐसे डायग्राम बनाना संभव नहीं होता है, तो बोर्ड के तल पे ऐसे ही समझाना पड़ता है ना। तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये 15 मीटर होगी मेरे पास,
ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी होगी, है ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलो ठीक, इतना ही, 15 मीटर हो गई है, है ना, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ऊर्ध्वाधर दीवार, क्योंकि दीवार ऐसे ही खड़ी रहती है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और ये रहता 37। मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में भी मैंने करवाया था आपको, है ना, ये सीढ़ी दीवार के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। अपने को अपने को निकालना है तो दीवार की ऊंचाई कितनी है, अपने को एच निकालना है, क्या निकालना है, एच निकालना है, एच फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी, और बस ये कोण तो फिक्स हो गया क्योंकि ये ऐसे खड़ी है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये ऐसे खड़ी है, देखो ऐसे ऐसे खड़ी है, तो ये 90 डिग्री का कोण ही बनेगा, दीवार में से 90 डिग्री का कोण ही बनाती है ऐसे, है ना। तो मेरे पास अगर ये 90 और ये थीटा है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास आधार हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना, ये आधार हो गया है, इधर लिख देता हूं मैं, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण, क्योंकि 90 और थीटा है अपने पास, यही तो है। तो अपने पता है इन दोनों का जो संबंध है, इन दोनों का जो संबंध है, मतलब आपको संबंध कैसे देखना है, ये दे रखा है अपने को 15 मीटर, ये दे रखा है, और अपने को ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, है ना। तो अपने पास क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो चित्रानुसार कोस, चित्रानुसार क्या आएगा, कोस थीटा बराबर आधार, क्योंकि ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, और कोस 60 डिग्री, ए बी कितना दे रखा है मेरे को, ए बी है मेरे पास एच है, और ए सी का मान कितना है, 15, है ना। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और एच बराबर 15, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे, 2h बराबर 15, और h बराबर 15/2 मीटर, 15/2 मीटर आएगा, है ना। मैं आपको इस प्रश्न का करने का एक और तरीका बताता हूँ स्टूडेंट्स, जो भी आपको उचित लगे उस तरीके से आप कर लेना, है ना। मान लो ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज बन रहा है, वो भी समकोण त्रिभुज, 90 और 30 कितना, 120, ये कितना हो गया 60, 180 डिग्री। अगर मान लो मैं थीटा ये लू, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण तो फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। अब मैं इन दोनों का संबंध ले रहा हूं फिर से, इन दोनों का संबंध ले रहा हूं मैं फिर से, इसका हो इसका, है ना, तो कर्ण बटा लंब, या फिर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है, साइन थीटा, लंब क्या मेरे पास, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, साइन कितना है, साइन अब 60 नहीं लेना, क्योंकि मैंने थीटा 30 डिग्री लिया है यहां पे, तो 30 डिग्री, ए बी क्या है मेरे पास, एच, और ए सी क्या है मेरे पास, 15, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और एच बटा 15 आएगा ना, इसको इससे, इसको इससे, 2h बराबर 15, h बराबर 15/2 मीटर, h बराबर 15/2 मीटर आएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इस प्रश्न करने का एक और तरीका बताता हूं, आपको जो भी उचित लगे आप उससे कर सकते हो। मैंने आपको पिछले वाले प्रश्न में बताया था, इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था भाई 60 के सामने क्या होता है, 60 डिग्री के सामने अंडरूट, ये जो लेंथ दे रखी है वो अंडरूट 3 यूनिट है अपने पास, आप लंब आधार को बोल जाओ इसमें, ये कितनी है, अंडरूट 3 यूनिट है, और 30 के सामने कितनी यूनिट होती है, 1 यूनिट होती है, 1, और 90 के सामने कितना होता है, 2 होता है। मैंने आपको बताया भी था ये निकाल के भाई ये कैसे होती है, अपने क्या दे रखा, ये जो लेंथ दे रखी ना, ये जो लेंथ अनुपात में, इसका मान सिर्फ ओनली 2 ही है, मतलब 2 यूनिट है, मतलब 2 की वैल्यू 15 मीटर के बराबर है, 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 15 मीटर के बराबर है। ऐसे मान लो दो आदमी
15 रसगुल्ले खाता है, तो एक आदमी कितने रसगुल्ले खाएगा? 15/2 ही तो खाएगा, मतलब 7.5 हो जाएगा ना, 7.5 मीटर। अपने को ये जो है एच, वो एक ही तो यूनिट है, एच बराबर कितना आ गया? 15/2 मीटर, 7.5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक है एच के बराबर ही तो ना, यहां से लेके आता हाइट ही तो है, इसका आंसर 15/2 मीटर रहेगा। आपकी ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आपको जो भी तरीका पसंद आए आप इस प्रश्न को उस तरीके से कर सकते हो। आई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करने का प्रयास करते हैं ना। ये कह रहा है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट, पहले प्रश्न की लैंग्वेज को समझ लीजिए। प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार ही अपने को चित्र बनाना पड़ेगा। एक एक वर्ड को पढ़िए। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, ऐसे चलिए 10 मीटर ऊंची है अपने पास, ये 10 मीटर ऊंची मीनार है ना, ये 10 मीटर ऊंची मीनार है। और मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर टॉप पॉइंट ये रहेगा, शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, पृथ्वी पर एक बिंदु है ये ले लीजिए आप, पृथ्वी पर एक पॉइंट ले लीजिए, इसके पास में मत लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें पास में कोशिश लेने की कोशिश करोगे तो चित्र थोड़ा अटपटा लगेगा, है ना। शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ये 37 हो गया। इस डॉट डॉट का मतलब ये हिडन है, इस डॉट डॉट का जो मतलब होता है हिडन, ये अपने को दिखेगा नहीं, मतलब अपने को अज्यूम करना पड़ेगा। ये इस डॉट डॉट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हिडन ही, अपने को दिखेगा नहीं। क्या हवा में भी कोई चीज दिखेगी क्या आपको? तो एक तरीके से इसको डॉट डॉट किया जाता है, इसका मतलब होता है हिडन है ये। मैं बाहर फिर से बोल रहा हूँ, किताबों में डॉट डॉट करके रखते हैं, और इस जो लाइन का मतलब होता है वो होता है मतलब हिडन है, अपने को मानना पड़ेगा, ज़ूम करना पड़ेगा ना अपने को, है ना। तो ये अब इस पॉइंट से मैंने देखा, यहां से इस पॉइंट को मिलाया मैंने, तो ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण 30 डिग्री का है, अवनमन कोण। अवनमन कोण ऐसे ही बनता, ऊपर से नीचे की तरफ देखते जब अवनमन कोण बनता है। फिर कह रहा है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, आधार ये रहा, आधार यही तो है बेस इसकी, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। उम्मीद करता हूं आपको चित्र समझ में आ गया होगा। मैं इसको नाम दे रहा हूं ए, ये चाहो तो आप हटा दो, ये तो मैंने चित्र बनाने के लिए समझाने के लिए मैंने बताया आपको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये कोण होते एकांतर कोण। जैसे मान लो ये ऐसे है, ये एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, एकांतर कोण की कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर होनी चाहिए। तो ये वाला 37 इस 37 के समांतर है, और इसको एक तिरक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए जब एकांतर कोण काम करते, ये नहीं आप जेड बना दो, ये नहीं आप जेड बना दो, है ना, है ना। तो आगे देखिए स्टूडेंट, अब मान लो ये अपने पास 10 मीटर ऊंची मीनार थी, ये 10 मीटर हो गई है ना, ये 10 मीटर है ना, और अपने को इसका संबंध निकालना है। मान लो मेरे पास ये 30 है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और करण तो फिक्स रहेगा रहेगा, है ना। तो मेरे को इन दोनों का अनुपात लेना है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई, क्योंकि अपने को दे ही नहीं रखा ये, अपने को इन दोनों का अनुपात लेना है, लंब बटा आधार। चित्र अनुसार देखिए, चित्र अनुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अपन हाइट और डिस्टेंस में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, है समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी, टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी। अपने को कॉस थीटा कितना है, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। ए बी का मान कितना मेरे पास 10, और बी सी का मान क्या, इसको एक्स मीटर मान लो, यहां से लेके यहां तक ये एक्स मीटर हो गई, है ना, ये एक्स हो गया। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10 अपॉन एक्स,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 10 अंडरूट 3 मीटर है ना। आप चाहो तो अंडरूट 3 का मान रख दो, 10 इंटू 1.732, 17,320। एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, सॉरी 3 छोड़ के पॉइंट आएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1.7 मीटर इसका आंसर रहेगा ना। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये तरीका समझ में आया होगा। आप देखिए स्टूडेंट इस प्रश्न को दूसरा दूसरा मेथड और देखिए, रेशियो मेथड देखिए आप, है ना। ये तो अपना बेसिक था, बेसिक से तो आप कर ही लोगे। आपको मैं जो तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है अनुपात। ये कंपिटेटिव एग्जाम में बहुत काम आता है इस प्रश्न को करने के लिए। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे मान लीजिए ये 30 है, तो ये कौन कितना आएगा मेरे पास, 60 डिग्री आएगा, और एक कोण 90 डिग्री फिक्स होता ही है ना। अपने को पता है, आप कुछ याद मत रखिए इस तरीके में। 60 के सामने हमेशा अंडरूट 3 होता है, 60 के सामने कितना होता है अंडरूट 3। इस भुजा की लंबाई अनुपात में अंडरूट 3 है, और 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। 30 के सामने क्या होता है, इस भुजा की लंबाई अनुपात में 1 है। 1 की वैल्यू ये 10 दे रखी है अपने को। अगर एक आदमी 10 रसगुल्ले खाता है, 1 बराबर 10, 1 का मान कितना है 10 मीटर है। अपने को क्या निकालना है, 3 आदमियों की वैल्यू निकालनी, क्योंकि अपने को यहां से लेके ये दूरी कितनी अंडरूट 3 ही है, अंडरूट 3, 10 इंटू अंडरूट 3। अपने को पता है अंडरूट 3 किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, बीसी बराबर 10 अंडरूट 3 मीटर। ये तो अपना आंसर था। देखो स्टूडेंट ये एक प्रश्न मौखिक भी हल होते हैं स्टूडेंट, ये प्रश्न अपन आराम से मौखिक द्वारा भी हल कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, है ना। आगे वाले वीडियो में आगे के प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। आप इस तरीकों को समझने की कोशिश कीजिए, और इस प्रश्न वाले में मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, इस प्रश्न वाले सिंपली प्रश्न की लैंग्वेज का ही खेल है और बाकी कुछ नहीं है। प्रश्न वाले बहुत ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।